गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत प्रणाम आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरा नाम है सौरभ चौहान, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में और एक नए दिन की शुरुआत में। बाकी आज भी हम कैंपिंग जा रहे हैं फर्स्ट क्लास से कैसा, तो बाकी आज हम थोड़ा गाड़ी का टूर दे रखे थे, मतलब गाड़ी से आए और रोड साइड आए, फिर आज हम रोड साइड को कैंपिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे रोड 2-3 मिनट आगे और यहाँ ऊपर पानी है, तो पहले पानी भर लेते हैं कैसा। तो पानी की ज़रूरत सबसे मेन चाहिए, मेन है ना, क्योंकि आगे को पानी मिले ना मिले वो भी कुछ भरोसा नहीं है। तो अभी हम अभी जो लोकेशन में है वो खाकेत वाली लोकेशन में, तो मैं पानी भरने जाता हूँ ऊपर फर्स्ट क्लास से और अपने भाई लोगों को, मैं ही जाता हूँ अकेले कैसा। ये दो भाई लोग जुड़े हैं, संदीप और विक्की कैसा। तो ये कुछ इस प्रकार की लोकेशन है जंगल की। चलिए फिर दोस्तों, पानी वानी भर के आ गया ऐसा, मैं मुँह हाथ धो के भी आ गया था, थोड़ा गर्म टाइप की हो गई थी ऐसा। तो बाकी हमारे पास 2 स्टॉक है पानी के, 2 गेलन है मतलब तंबू है, और बाकी आज हम 3 ही जने हैं। तो आज देखते हैं जरा आगे तक, वहाँ जरा पहाड़ टाइप का है, वहाँ कैंप लगाने की सोच रहा हूँ अगर लोकेशन अच्छी होगी तो। मैंने देखी तो थी आप, लेकिन कैंप पता नहीं, वहाँ अगर ज़मीन समतल होगी तो लगा लेंगे। और बाकी मज़ा आ रहा है ऐसे, आज रोड साइड कैंपिंग कर दी फिर हमने, और बाकी टाइम हम नीचे को जाते थे अपने जंगलों को, आज ऊपर साइड आ गए तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो बाकी बने रहिए इस ब्लॉग चैनल में और दिखाते रहते हैं आगे आगे को कैसा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे कैसा, और बाकी सामान वामान भी लाए गए थे। तो यहाँ आ गए फिर, ये जूड़ वाली लोकेशन है आदि, एंटेनी बोलते हैं इस लोकेशन को। और बाकी देख लेना, और बाकी 3 भाई लोग आ गए हैं फिर हम आज, और अभी देखते हैं आगे, यहाँ साइड में कैंप लगाते हैं और गाड़ी यहीं पार्क करते हैं, चलो दूनी यहीं पहाड़ के आगे ऐसा। चलो तो चलिए फिर दोस्तों, यहाँ पहुँच गए हैं कैसा, ये लोकेशन अच्छी लगी, प्लेन जगह भी है और आराम से टेंट भी पीछे हो जाएगा कैसा। तो बाकी सब सामान हम ला गए आज, पानी भी लाए गए, अगर ख़त्म हो जाएगा तो देख लेंगे इसके बाद। तो बाकी अभी इवनिंग का टाइम होने वाला है, तो आज ज़रा लेट भी आ गए हैं हम कैसा। तो चलिए फिर पहले टेंट वेंट पिच करते हैं अपना बढ़िया करके, फिर यहाँ की लोकेशन भी दिखाते हैं आप सभी लोगों को। वैसे पहले यहाँ नीचे से साफ हाईवे दिखता था, लेकिन अब पेड़ ज़्यादा हो गया है तो उसके मारे दिख नहीं रहा। वैसे भी अभी हरियाली का टाइम है कहते हैं, तो ऐसा है फिर आजकल बारिश का मौसम हो रहा है कैसा, तो हरे भरे पेड़ भी हो रखे हैं पहाड़ों में और कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो बाकी कभी रेन कैंपिंग भी दिखाएंगे। वैसे जिस दिन हम जा रहे हैं रात को बारिश हो ही जा रही है, आज का पता नहीं, आज मौसम थोड़ा खुला खुला दिख रहा है। तो बाकी ऐसा ही है फिर आजकल पहाड़ों में, आजकल आपको झरने वगैरह देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हमारे साइड को तो इसे चौमास कहते हैं, चौमास में हमारे पानी का स्तर भी बढ़ जाता है, और अगर हम नदियों की ओर जाएंगे तो बहुत तेज़ तेज़ की मतलब नदी आती है, बहुत स्तर बढ़ जाता है पानी का। तो इसी टाइम पर मतलब ज़्यादा नुकसान होते हैं पहाड़ों पे, जितने अच्छे पहाड़ दिखते हैं लेकिन उतने ख़तरनाक होते हैं। तो ऐसा ही फिर चलो बातें बाद में करते हैं, मेरे टेंट पिच करते हैं।
चलिए फिर दोस्तों, अपना टेंट वेंट सारा लग चुका है कैसा, और बाकी मज़ा भी आ रहा है। आज नई लोकेशन है और तीन ही जने हैं, तो आज उससे भी एडवेंचर लाइफ होगी कैसा। मैंने हमारे साथ योगेश भाई जुड़े थे, फिर उनका कुछ काम वाम है तो वो कुछ दिनों बाद आएंगे कैसा। तो बाकी टेंट वेंट भी पिच कर लिया है, पानी भी भर लिया है, लकड़ी भी है ही हमारे पास नॉर्मल। तो आज हम बनाएंगे तो वो रात को दिखाएंगे आपको कैसा। और पिछली वीडियोस में आपने अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रखा है, तो आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना कैसा हमारी इन वीडियोस में। तो कभी हम आप सभी लोगों को ट्रैकिंग वीडियोस भी दिखाएंगे इसमें, इस ब्लॉग चैनल पर। और कैंपिंग तो आपको मिलती है, पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग वो भी देखेंगे। ऐसे मैंने बहुत ब्लॉग बना रखे, एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप, तो उसमें आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे। पहाड़ी लाइफस्टाइल जो फुल पहाड़ी होता है ना, पहाड़ों में क्या क्या होता है वगैरह, मैंने पहले डाल रखे है, तो एक बार उसको भी चेक कर लेना। तो बाकी कमेंट करना फिर कैसा, कमेंट सबसे ज़रूरी है, आप कमेंट करना तो हम वैसे वैसे वीडियो अपने थ्रू लाते रहेंगे, तो आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। बाकी एक काम करता हूँ मैं, सामान तो लाई गई है, लकड़ी ढूंढते हैं कैसा, सबसे बढ़िया बात। फिर खाना बना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, चाय वाय बनाते हैं। तो आज ज़रा चाय पीने का मन हो रहा है कैसा। चलिए फिर दोस्तों, लकड़ी लेने चलते हैं कैसा। तो लकड़ी की व्यवस्था सबसे पहले, आजकल मानसून बहुत ख़राब हो रहा है, तो जंगलों में पहाड़ों में तेज़ तेज़ की बारिश हो रही है, जिस कारण आधी से ज़्यादा लकड़ियाँ तो बिल्कुल गीली हो रखी है, तो बहुत कम चांसेस है सूखी लकड़ी मिलने का, बहुत कम चांसेस है लकड़ी मिलने का। तो ऐसी जो सूखी टहनियाँ ना, उनको सूखी टहनियों को ले जाना पड़ेगा। और बाकी ना अंधेरा होने वाला है, और यहाँ का जो जंगल है ना, यहाँ से खाई टाइप की है, और सामने ऊपर पहाड़ है, एक बार वहाँ जाने के भी देखेंगे कैसा। तो नीचे तो खाई टाइप की है, तो यहाँ से तो नीचे को नहीं बनता है। बाकी विक्की भाई आगे को गया है, मैं भी चलता हूँ उसके। तो दोस्तों ये रोड है, और इधर ही हमने कैंप लगा रखा है, ज़्यादा दूर नहीं। तो मौसम तो ठीक ही हो रहा है आज का, अभी अभी काले बादल लग गए देखो धीरे धीरे करके। तो चलते हैं लकड़ी लेने। विक्की भाई मिलिया नहीं मिलिया लकड़िया? तो दोस्तों मैंने ना एक गट्ठल टाइप का बना दिया लकड़ी का कैसा, तो काफ़ी सूखी लकड़ियाँ मिल गई मेरे को यहाँ, लेकिन ये ज़रा गीली हो रखी है, देखिए कितनी है। उसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं अंगाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब जैसे गट्ठल बना दिया। तो बाकी लकड़ी तो हो ही गई, कुछ पिक्की भाई ले गया, कुछ मैंने यहाँ से सूखी तोड़ रखी है, एकदम देख सकते हो आप प्रॉपर तरीके से पूरी सूखी लकड़ियाँ है कैसा। और बाकी अंधेरा होने वाला भी है, विक्की भाई तो कैंप की ओर चले गया, मैं भी चलता हूँ कैसा। और यहाँ साउंड सुनिए, लकड़ी तो आ रहा है। तो दोस्तों हमारी आग भी लग गई कैसा, तो बाकी आज हम जरा लकड़ी ज़्यादा ला गई कैसा। तो पहले सबसे पहले हम पापड़ तलते हैं, चाय के साथ पीने में अलग ही मज़ा आएगा कैसा। दोस्तों ऐसा है ना, हम बना रहे हैं आज दाल और चावल कैसा। तो लाल चने की दाल है फर्स्ट क्लास से, बाकी आज शाम के टाइम में चावल ही खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, आप सभी लोगों को भी दिखाएंगे। बाकी अपना चॉपिंग का काम करते हैं फर्स्ट क्लास से, ये अपना चॉपिंग बोर्ड है, और टमाटर काटते हैं। और बाकी सामने का नज़ारा भी तगड़ा आ रहा है, क्योंकि सामने से बहुत सारे गाँव हैं, जैसे कि डोबा, ज्यूड़ और चौंसली, क्वारप, बरसेमी, ये सारे गांव है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, देखना। तो गाइस ये नीचे है, वो है चौसली, उसके बाद वो डोबा है, ये और ये जूड़ है, देख सकते हैं आप। चलिए फिर अपना पहले प्याज वगैरह काट लेते हैं, टमाटर वगैरह कैसा, क्योंकि दाल चावल में बिल्कुल तड़का लगाने के लिए वो तो चाहिए। बाकी आज की लोकेशन में हम दो ही तीन ही बंदे हैं खाली, आज हम तीन जने सर्वाइव करेंगे अच्छे से। Thank you.
तो दोस्तों देखिए हरी मिर्च हो रखी है हमारे वहाँ बिक्की वाले के घर में। तो बिक्की थोड़ा लाया था हरी मिर्च, और मिर्च का साइज़ देखो पहले कितना बड़ा है ये देखो। तो इनको दाल में डालेंगे हम धीरे धीरे। कीड़े आ जा रहे हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है पिकड़े में। हाँ तो दोस्तों अपनी कॉफ़ी आ गई है जो कि इन भाई लोगों ने बनाई। तो मैंने प्याज और मिर्च और टमाटर काट दिया है, तो बाकी ना कीड़े वीड़े वगैरह आ जा रहे हैं देखना। ये देखो गाइस पिनकट आ रखा है ना, गुआई गुआई बोलते हैं हमारे पहाड़ में, इनका मंदिर भी हमारे वहाँ तो इसे गुआई बोलते हैं। तो बाकी चाय का मज़ा लेते हैं इन खूबसूरत सी वादियों में, और सामने के नज़ारे भी गजब के दिख रहे हैं। ये देखो फर्स्ट क्लास से पापड़ भी तल गए, ये हमने ना एक कुकर में बना रखा है, कुकर के पापड़ तलते हुए। कितने किसने बनाया होगा कुकर में कैंपिंग में खासकर हमें पता नहीं। और ये देखो यहाँ ना जंगल में इस साइड को बहुत तेज तेज की आवाज़ें आ रही है यार ना बिक्की, दो बार आई ना तेज तेज की आवाज़ इस साइड से। एक तो आज हमने क्या किया पता, टेंट का मुंह नीचे को कर दिया, क्योंकि इस सेट को तो नीचे को खाई है, इस सेट को जो दिख रहा है। अगर हम इस सेट को लाइट लगा देते तो शायद कुछ नहीं। वैसे तो यहाँ को रोड है, गाड़ी चलते रह रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। पापड़ के साथ ना चाय खा, चाय पीते हैं कैसा, पापड़ के साथ तो चाय मस्त होगा। तो मैं दाल चलाता हूँ, वो कहाँ दाल और अब आएगा इसमें आराम से मिर्ची का स्वाद और टमाटर का, कैसा दाल में। गाइस मैंने आलू डाल चुका है ऐसे करके, अभी मैं लास्ट में इसको कर दूंगा रेसिपी इसका डाल के। तो दोस्तों ऐसा है, फिर हमारा चावल वावल भी बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये हर टाइम ना दिक्कत आ रही है लकड़ी की, क्योंकि लकड़ी जली नहीं रही है फूक फूक के। पता नहीं जिस दिन भी हम कैंपिंग में आ रहे रात को, ये ऐसा सीन की हो जा रहा है, क्रेट की हो जा रहा है पता नहीं। तो बाकी लास्ट चावल रह गया, फिर इसके बाद हमें ना वो सामने जाना है पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया हमारा कैसा। तो देखते हैं क्या पता क्या कुछ मिल सकता है हमें रास्ते में, और बाकी अनजान सी जगह है, धुआं भी लग गया। और यहाँ से हेड को ना पूरा पूरा खाई है नीचे, यहाँ से किसी का पैर फिसला तो सीधे नीचे खाई में जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा उसका। ये देखिए अभी रात का टाइम, कुछ डेंजरस टाइप का, आज हम तीन जने इस जंगल में सरवाइव कर रहे हैं। ओ माय गॉड। तो दोस्तों चलिए फिर हम खाना वाना तो बन गया, तो एक दिक्कत आ गई, पानी भरने जाना है। तो हम पानी वानी भरने जा रहे हैं, तीन के तीन भाई टेंट को यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अकेले बंदे को नहीं छोड़ सकते हम यहाँ कैसा, तो रिस्क है। तो ले चलो जो भरने वाले बर्तन है, तो पानी करीबन यहाँ से एक किलोमीटर दूर होगा ना, एक किलोमीटर दूर है ठीक है। तो बाकी ऐसे जंगल है देखिए, झेड़ियों का सबसे बड़ा डर लगता है ना इन जगहों पे। तो चलिए फिर दोस्तों पानी की उधर आ चुके हैं कैसा, तो इधर ही है पहले पानी, सामने चलते हैं। ओए होए जंगल को देख के इतनी डर लग रही ना सही में, देखो सुनसान है घना जंगल, और रोड में तो आजकल बाघ को बिल्कुल साफ साफ चाहिए। तो यहाँ पानी का है कह रहे भाई लोग, चलो देखते हैं। ये है पानी, कहाँ है यार पानी, अरे है यार पानी। तो दोस्तों फाइनली हमें पानी मिल गया है, हट तो संदीप। तो चलिए फिर दोस्तों कैंप पे पहुंच गए कैसा, थोड़ा लंबा रास्ता था, तो अब खाना वाना खाते हैं, सब बर्तन वैसे ही बिखरे हैं वैसे। तो
हमने खाना वाना तो चावल वावल बना दिया, अब कैंप के अंदर आराम से बैठ के खाते हैं फर्स्ट क्लास से। और ठंडा ठंडा पानी भी भर ला गया है पहाड़ों का अपना, जो भी वहाँ से स्रोत से आ रहा था सामने के पहाड़ से आ रहा था, तो डर भी लग रही थी। और हमारा ये बल्ब भी टिम डिम 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 पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग गया उस दिन की तरह। कैसा चले फिर खाना आना खाए और पकड़ 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 तो दोस्तों रुक जाए ऐसे दिखाता हूँ। तो दोस्तों नीचे खाए में ना वो नीचे ना वो क्या कहते हैं तुम्हारा स्पीकर गिर गया, आपने देखा होगा थोड़ा वहाँ से गिरते हुए व्लॉग बना रहा था। तो बिक्की भाई जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ पकड़ पकड़ के। तो ये तो नीचे खाई है बाबा, गिर जाएंगे यहाँ से। एक स्पीकर को बचाने सुबह चले जाएंगे, चलो जाते हैं कोई बात नहीं। ये रहा ये संदीप भाई फंस गया नीचे गधेरे में, वो स्पीकर भी तो वो नीचे चले गया हुआ पोपट तकड़ा वाला पोपट। तो दोस्तों नीचे से आ गए वो स्पीकर लेके, स्पीकर काफ़ी नीचे गया था, अभी नीचे तो बहुत तगड़ी खाई है। सुबह दिखाऊंगा मैं आप सभी लोगों को, आराम से आना भाई। तो दोस्तों ऐसा है, चलो फिर अब सब कुछ सेट वेट कर लिया कैसा, अब खाते हैं खाना, भूख लग गई बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि इधर उधर फूकने फाकने में आग फूकने फाकने में टाइम भी निकल गया और 12 बज गए। तो भाई देख सकते हैं अब चावल देखते हैं हम कैसे बने, हमने देखा भी नहीं आज तो सही बने। तो अभी मैं क्लोज से दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही पैनल पे एक्टिविटीज हो रही है। ये स्पीकर अपने आप ही गिरा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसका हार्ड भी अभी इतना दूर। तो देखते हैं दोस्तों कुछ भी हो सकता है ना ऐसी जगहों पे, तो डर ही ठहरा क्योंकि गाइस मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। हाँ तो हमारे सैलेड वैलेड भी कट चुके हैं और थोड़ा हरी मिर्च भी है, मैं क्लोज से दिखाता हूँ एक मिनट आप सभी लोगों को। ये तो दोस्तों ये हमारे सैलेड है तगड़े से, और ये चावल बन गए फर्स्ट क्लास से, और ये दाल है हमारी फर्स्ट क्लास से। कौन सी वाली है? लाल चने वाली। तो ये सब संदीप भाई ने बना रखा है कैसा, और इसमें मेहनत बिक्की भाई की भी है, हरी मिर्च उन्होंने ज्यादा फूका है। देख बिक्की भाई बोले थे चावल कम हो जाएंगे, चावल तो इतने ही हो रहे हैं, तू तो कह रहा था बहुत है चावल, बहुत देख लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, ये अपनी पूरी थाली लग चुकी है। ऐसी थाली ना हमको जैसे होटलों में जाते हैं हम मिलती है, लेकिन आज हम वो एक्सपीरियंस यहाँ ले रहे हैं। देखिए हमारे पास सैलेड और इस प्रकार की हमारी पूरी थाली जच गई है, खाने में टेस्ट आएगा। उसके साथ लाल चने हैं, वो भी क्या स्वादिष्ट बना रखे हैं। मैं खाना चख के बताता हूँ कैसा हो रखा है। कैसा तो चलो फिर दोस्तों चखते हैं कैसा भाई का टेस्ट खाना, काफ़ी भूख भी लगी है, सैलेड भी है हमारे पास आराम से हमने पूरा सलाद वलाद काट के बढ़िया सा होटल वाला खाना बना दिया है। मज़ा आ गया। सबसे बड़ा टेस्ट है इसमें हरी मिर्च का, मज़ा आ गया। तो इनसे भी पूछते हैं कैसा हो रहा भाई। बढ़िया। अरे कैसा हो रहा ये तो टेस्ट, हमने ना एक बार केदारनाथ में खाया था ये दाल और वैसे ही टेस्ट आ रहा है। तो बहुत तगड़े वाले पैनल ये कुछ अलग ही संकेत दे रहा है गाइस, इसको बाय पड़ा है दड़ी गया गया। टमाटर खाने में अलग ही मजा आ रहा है दड़ी। दोस्तों ऐसा है ना, खाना वाना खा लिया था, फिर सामान वामान भी पैक कर लिया कैसा। तो अभी हमारा प्लान बन रखा है कि घर को जाने का, क्योंकि यहाँ ठीक नहीं लग रहा है जब से हम आ रखे हैं। मतलब यहाँ पता नहीं, मतलब मन होता है ना एक डर टाइप का गया कि अजीब सा हो रहा है अंदर से। तो और गाँव से बहुत दूर भी आ रखे हैं इसलिए कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है शायद हमें लेकर लेना चाहिए, सेफ्टी है, गाड़ी भी है, जल्दी पहुंचेंगे घर, नज़दीक है। हाँ नज़दीक भी है, रोड बाई जाना सही रहेगा, वैसे उसके बाद गांव पड़ जाता है हमारा। तो यहाँ जिस टाइम से हम आए हैं ये देखो ये लाइट भी बंद हो जा रही है, लाइट फुल चार्ज है इसमें, फुल चार्ज, पता नहीं फिर भी क्या दिक्कत हो जा रही है मेरे साथ, पता नहीं क्या हुआ ऑटोमेटिक। और अभी तो देखा ही आपने स्पीकर में, तो ये समझ में नहीं आ रहा है और पता नहीं यहाँ से। अभी हमने वीडियो में चेक भी करा, वो उसका हाल लगा ही नहीं था उसमें, और अचानक ही, और यहाँ से तेज तेज की आवाज़ आ रही है,
अब आप समझो कि वीडियो में रिकॉर्ड क्यों नहीं है, अब वीडियो में कैसे रिकॉर्ड करेगी, ऑन कैमरा हम दिखा थोड़ा सकते हैं ना कि आवाज कैसी आ रही है। आवाज नहीं आ रही, उतनी आवाज नहीं आ रही, लेकिन नॉर्मल ऐसे मतलब ऐसे मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डर डर लगने वाली आवाज़ आ रही है, डर रहा है दिल जो हो रहा है ना, बहुत डर गया है। तो मेरा तो सिस्टम ये बैठता है कि निकल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ ठीक नहीं ठहरा, कैसा रहना, कुछ भी हो सकता है। मतलब वैसे अभी घर निकलने में फ़ायदा है, वैसे निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी चले फिर घर को लेकर मिलते हैं कैसा। तो शायद आज ये कैंपिंग वीडियो ना मेरे को यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो फिर दोबारा फुल चार्ज है, मैंने इसमें फुल चार्ज कर दिया है, अब तो ख़त्म ही हो रहा सीन। तो LED बल्ब ना जब से हमने लगा रखी थी तो प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अभी बंद हो रही है। तो चलिए फिर दोस्तों, सारा सामान वामान निकाल लिया कैसे, अब यहाँ से निकलते हैं फटाक से, ठीक ही नहीं लग रहा फिर कुछ तो उसे निकाल दिया, अपना ये पैक वैक कर लिया टन टना टन करके। तो आज ये व्लॉग और ये कैंपिंग जो वीडियो है वो इतनी ही मिलेगी आपको कैसे, तो नेक्स्ट कैंपिंग में दिखाएंगे अगली वीडियोस। तो बाकी आप जाने गए होंगे तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ गए होंगे आप। तो बाकी चलो फिर यार निकलते हैं कैसे, और बाकी चारों ओर सामान हमने उठा लिया है अपना, ये वगैरह सब कुछ ठीक है, और सामने रोड है तो वहीं को निकलते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा यार कैसा, थोड़ा माफ़ करना गलती हो गई, क्योंकि हम जा रहे हैं ना तो क्या कुछ नहीं कह सकते हैं, जाना पड़ेगा भाई। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, कभी कभी जाना चाहिए रात को, जरूरी नहीं है कि आप कैंपिंग में आए हो कि आप रात सर्वाइव करोगे, पूरा डर भी लग रही थी ना जरा। तो चलो।